हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज साइकोलॉजी के अंदर यूनिट 3 टोटल बनती है 15 मार्क्स की, जिसमें से 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है कि डिफरेंस बताओ लर्निंग अ लैंग्वेज और लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। मतलब तुम्हें एक लैंग्वेज को याद करना है और तुम्हें एक लैंग्वेज के थ्रू याद करना है। के थ्रू मतलब कि आप उसको यूज़ करते हुए सीख रहे हो, एंड अ लैंग्वेज का मतलब है कि आप उस लैंग्वेज को याद कर रहे हो। सो लेट्स सी कि आप इसका आंसर कैसे लिखोगे। प्रॉपर बताऊंगे विद कॉन्क्लूजन, ठीक है, कि आपको प्रॉपर एग्जाम में अगर आता है तो कैसे लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले कुछ इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा, या इंट्रोडक्शन नहीं, आप सीधा लिखोगे लर्निंग अ लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कर दो कि आप लर्निंग अ लैंग्वेज से क्या कन्वे करना चाहते हो। लर्निंग लैंग्वेज मीन्स स्टडिंग एंड लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एक्सेट्रा। लर्निंग अ लैंग्वेज से मतलब है कि आप किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो या फिर याद कर रहे हो। तो वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। वो लैंग्वेज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, उर्दू हो गई। अब कोई भी लैंग्वेज को क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। तो लर्निंग अ लैंग्वेज से मतलब है किसी भी लैंग्वेज को सीखना या पढ़ना। लर्निंग लैंग्वेज इज़ द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। जब भी हम कोई लैंग्वेज को याद कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो क्या रिजल्ट करता है कि हमें जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, हम उन रूल्स को ही फॉलो करें उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। जैसे कि अगर इंग्लिश में बात करें तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, यू के साथ हमेशा आर लगेगा, ही, शी, इट, इस, अगर कोई सिंगुलर चीज है तो उसके साथ हमेशा इज ही लगेगा। तो ये क्या, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ प्रॉपर रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमें डायरेक्ट दे दिए गए हैं कि अगर ये लैंग्वेज यूज़ करनी है तो इनका रूल्स का फॉलो करना ही पड़ेगा। हियर द मेन फोकस इज ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, रूल्स एंड ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। जो मेन फोकस होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए वो होता है कि आप उसके स्ट्रक्चर को समझें, उसमें कौन से रूल्स यूज हो रहे हैं आप उनको समझें, एंड ग्रामर कैसे यूज़ करनी है अब उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। इन सब चीज़ों को फॉलो करें कि स्ट्रक्चर क्या है, रूल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, ग्रामर कैसे यूज़ होगी, तो ही आप एक लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हो, याद कर सकते हो, समझ सकते हो। इन लर्निंग लैंग्वेज वी लर्न हाउ टू फॉर्म साउंड्स एंड अटरेंसेस टू प्रोनाउंस द वर्ड। लैंग्वेज को जब हम याद करते हैं, सीखते हैं, तो हम लर्न करते हैं, हम प्रोनाउंस करना सीखते हैं कि ये साउंड कैसे प्रोड्यूस करनी है या फिर हमें इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। कई बार हमें मुश्किल होती है कि हम डिफरेंट वर्ड नहीं बोल पाते, लेकिन हम फिर उसको ट्राई करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे कि निमोनिया, ठीक है, ये एक वर्ड है तो हमें बहुत बार प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसकी स्पेलिंग तो पी से स्टार्ट हो रही है बट इसमें पी साइलेंट रहता है। तो हमने क्या किया, हमने इस वर्ड को बोलने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए, हमने एक तो साउंड फॉर्म की कि दूसरा पर्सन कैसे बोल रहा, हमने वैसे ट्राई किया, एंड उसके बाद हमने उस वर्ड को प्रोनाउंस करना सीखा। हम उस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं निमोनिया, तो हमने धीरे धीरे बोलना सीखा इस वर्ड को, राइट। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं, अ हिंदी लैंग्वेज नॉन पर्सन लर्निंग इंग्लिश और जर्मन। एक लैंग्वेज जिस पर्सन को आती है, ठीक है, मान लो वो एक पर्सन को हिंदी लैंग्वेज आती है, तो वो दूसरी लैंग्वेज क्या सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है या फिर जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है। तो लर्निंग अ लैंग्वेज का ये एग्जाम्पल है कि एक पर्सन जिसको ऑलरेडी एक लैंग्वेज आती है वो दूसरी लैंग्वेजेस को सीखे, दूसरी लैंग्वेजेस को याद करे। फिर आप लिखोगे लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। आप लर्निंग थ्रू लैंग्वेज से क्या समझते हो। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट जाएगा, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज मीन्स लर्निंग वेरियस सब्जेक्ट्स बाय यूजिंग अ लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लर्निंग थ्रू लैंग्वेज का मतलब है कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ो। कैसे पढ़ो उनको, कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ करते हो, और वो पर्टिकुलर लैंग्वेज कौन सी होगी जो कि आपका उस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए एक मीडियम का फॉर्म करेगी। जैसे कि अगर आप हिंदी मीडियम हो तो मैं आपको अगर हिंदी में बोल के समझाऊँ तो आप हिंदी में समझ जाओगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वो आपको अगर मैसेज कन्वे करना है तो आप ये इजी लैंग्वेज में ऑलरेडी लिखा हो तो आप इसको ऑलरेडी समझ जाओगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज से मतलब है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, उस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो हमें ऑलरेडी आती है, हम उसको मीडियम बना रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है, जो कि आगे इंफॉर्मेशन है, उसको समझने के लिए या फिर समझाने के लिए हम उस लैंग्वेज का यूज़ करें जो हमें ऑलरेडी पता है,
लैंग्वेज हेल्प्स वन टू अंडरस्टैंड वेरियस कंसेप्ट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. जो लैंग्वेज होती है ये एक पर्सन को हेल्प करती है कि वो अंडरस्टैंड कर सके डिफरेंट कंसेप्ट्स को डिफरेंट सब्जेक्ट में. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एंगल्स की, ठीक है, तो एंगल्स हमारा मैथ में भी आता है, साइंस में भी आ जाएगा ये वाला एंगल पे, एसएसटी में ज्योग्राफी में आ जाएंगे हमारे एंगल्स, ठीक है. तो एक तरह से हमने क्या किया, एंगल का मीनिंग पता है हमें, तो हमने अब एंगल का मीनिंग पता है तो वो एक कंसेप्ट है जिसको कि मैं डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ. तो लैंग्वेज हमें हेल्प कर रही है कि हम एक ही कंसेप्ट को या फिर अलग अलग ऐसे बहुत से कंसेप्ट होंगे एंगल्स की तरह जो कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं. लर्निंग इन क्लासरूम इज प्राइमरली अकम्प्लिश्ड थ्रू लैंग्वेज. जब हम क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, खास करके जब हम छोटे होते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ में अगर देखें तो हम लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ रहे होते हैं. क्योंकि जनरली अब हम अगर इंडिया की बात करें या फिर दिल्ली की बात कर लो, ठीक है, दिल्ली के आप किसी भी स्कूल में जाओगे सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ समझानी है क्योंकि आप घर पे सभी लोग हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हो. तो क्लासरूम के अंदर आपको अगर इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया जा रहा है अ एप्पल, तो आपको टीचर सबसे पहले हिंदी में बताएगा कि एक एप्पल है, अ एप्पल, सॉरी एन एप्पल, एन एप्पल का मतलब है एक एप्पल है, ठीक है. तो आपको आपने बच्चों को कैसे समझाया, हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए समझाया, ठीक. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द टीचर परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज लाइक गेस्ट गिविंग लेक्चर्स, आस्किंग क्वेश्चंस एंड लिसनिंग टू डिस्कशंस. टीचर कई बार क्या करती है, ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट कराते हैं स्कूल्स में कि कोई गेस्ट आ रहा है वो लेक्चर दे के जा रहा है स्कूल के अंदर, ठीक है. तो हम वो जिस लैंग्वेज में दे रहे हैं हम उनके थ्रू समझ रहे हैं जो वो हमें कन्वे करना चाह रहा है, वो हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर क्लास में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, या फिर जीडी हो रहा है यानी कि ग्रुप डिस्कशन चल रहा है क्लास में, या फिर आप कोई गेम खेल रहे हो, डिबेट्स चल रहे हैं क्लासरूम के अंदर. तो इससे क्या हो रहा है कि आप लैंग्वेज के थ्रू सीख रहे हो क्योंकि आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो आप उसके थ्रू सीख रहे हो, आप उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, आप इंफॉर्मेशन गेन अप कर रहे हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स एंगेज इन अकेडमिक टास्क थ्रू रीडिंग राइटिंग गिविंग वर्बल आंसर्स टू टीचर्स क्वेश्चन. स्टूडेंट्स जो है वो एंगेज होते हैं अलग अलग अकेडमिकली जो टास्क दिए जाते हैं उनमें. वो अकेडमिक टास्क कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका लिसनिंग टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस लिसनिंग टेस्ट में क्या है कि टीचर ने आपको एक पैराग्राफ बता दिया एंड आपको कुछ क्वेश्चन दिए तो आपको उनका आंसर देना पड़ेगा. तो ये क्या किया हमने कि हमने उनको इंग्लिश लैंग्वेज में एक पैराग्राफ सुनाया, तीन बार ही आपको चांसेस मिलते कि आपको सुनाया जाएगा, देन आपको क्वेश्चंस देते हैं एंड आपको फिर उसके थ्रू अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने हैं, ठीक है. तो ऐसे कुछ टास्क होते हैं जिसमें कि हम बच्चों को इन्वॉल्व रखते हैं जो कि अंदर आते हैं लर्निंग थ्रू लैंग्वेज के अंदर आते हैं. जैसे कि रीडिंग हो गया कि आपको रीड आउट करना है पूरी क्लास में, आपको एसेज लिखने हैं, स्टोरी राइटिंग करनी है, या फिर टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है जो उन्होंने अभी पढ़ाया है एंड आपको वर्बली आंसर देना होता है कि टीचर ने क्या पूछा है उसका आंसर देना है. तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, वो ये निकलता है लर्निंग अ लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज का, इफ वन डज नॉट हैव एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज विच इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल फेस प्रॉब्लम इन लर्निंग अ सब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरियस कंसेप्ट्स. अगर किसी पर्सन को उस लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे उस सब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में या फिर किसी भी सब्जेक्ट के डिफरेंट कंसेप्ट्स को समझने में. अगर आपको हिंदी नहीं आती और आपको हिंदी में कोई चीज़ समझाई जा रही है तो आप उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाओगे, आप प्रॉपरली कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो यही था, इस वीडियो का एंड होता है एंड होपफुली ये ज़रूर कर लेना, प्रॉपरली कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार देखा हुआ है, एवरी ईयर देखा गया है, ठीक. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर ज़रूर कर देना, और जल्द से जल्द अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो जल्दी से जल्दी, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इट्स @ इट्स फ्लैट वाइजली. बाय.